इंजीनियर और आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि आज होने वाला है हमारा वॉल बीम। तो मैं आपको वॉल बीम को सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, फील्ड पर बताने वाला हूं कि किस तरह से इसमें बार की प्लेसिंग की जाती है, किस बार को क्या कहते हैं और किस बार की प्लेसिंग किस बेस पर की जाती है। आपको सारी चीज़ें मैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। सो एज यू कैन सी, ये है हमारा एक वॉल बीम और इसमें हम बार के सबसे पहले तो नाम जानेंगे कि कौन सी बार को क्या कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा है टॉप मेन बार, ये दो दो कॉर्नर के बार होते हैं ये टॉप मेन बार कहलाते हैं और ये जो नीचे बेस पर जो दो बार्स होते हैं इन्फोर्समेंट होता है इनको बॉटम मेन बार कहा जाता है ना, ये टॉप मेन बार और ये बॉटम मेन बार। उसके अलावा जो हमारे को ये दो रीइन्फोर्समेंट दिखाई दे रही हैं अलग से है ना, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई हैं और यहाँ पर आकर एंड हो गई हैं ना, कुछ डिस्टेंस पर आकर एंड हो गई हैं, तो इसको कहते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ सेंटर में, देखिए ये देखिए सेंटर में दो बार दी हुई हैं है ना, और इधर नहीं थी वो बार, यहाँ से कुछ स्टार्ट हुई हैं है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर और आगे कुछ दूरी पर वो एंड हो गई है, तो इसको कहते हैं हमारी बॉटम एक्स्ट्रा बार है ना। और ये जो उसमें स्टीरअप यूज़ किए गए हैं ये टू लेग स्टीरअप हैं, इनको टू लेग स्टीरअप कहा जाता है और हमें सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा माना जाता है टू लेग स्टीरअप है ना, कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए माना जाता है क्या, कुछ लोग इसको यहीं से आप 90 डिग्री पर बेंड कर देते हैं और इसका यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक सही तरीका नहीं है, हमें 135 डिग्री पर इनको बेंड करना चाहिए और ये टू लेग स्टीरअप कहलाते हैं है ना। तो ये कुछ इनको इस तरीके से देखा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सी बार की प्लेसिंग किस बेस पर की जाती है ना, हम इसको डिटेल पर जानेंगे। तो ये जो है हमारे टॉप मेन बार, ये हमारे मिनिमम मतलब किसी भी अपने बीम में जो मिनिमम नंबर ऑफ बार 4 रिक्वायर्ड होती हैं, तो जो कि ये टॉप बार और बॉटम बार हमारी मेन बार जो कि होनी होनी। उसके बाद हम क्या होता है कि बेंडिंग मूवमेंट के बारे में आप जानते होंगे, तो ये अच्छा हाँ एक बात ये कि हम जो बात कर रहे हैं ये जो बीम है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, तो हम बात करने वाले हैं अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। तो आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बाद में थ्योरेटिकली उसको भी समझा दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ फील्ड पर हैं तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं ना। तो क्या होता है कि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो होता है कि एक कॉर्नर्स पर मतलब इधर जंक्शन के पास पास है ना क्या होता है नेगेटिव होता है, एंड जो सेंटर में होता है वो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है ना। इसी वजह से जो एक्स्ट्रा बार्स हैं वो हमें जंक्शन से कुछ डिस्टेंस पर टॉप पर प्रोवाइड करनी होती है एंड आफ्टर दैट हमें बॉटम पर प्रोवाइड करनी होती है, जो कि सेंटर में हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है, दैट्स व्हाई। सो ऐसा ही आप वहाँ भी देख रहे हैं, उधर भी देख, अभी मैं दिखा दूंगा आपको वहाँ चल करके। सो अभी पहले हम यही बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये टॉप एक्स्ट्रा बार हमने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, तो हमें ये किस डिस्टेंस पर प्रोवाइड करनी है, कितनी डिस्टेंस पर प्रोवाइड करनी है। तो हमारा जो इफेक्टिव स्पान होता है, तो इफेक्टिव स्पान का जो एल बाई फोर डिस्टेंस होता है हमारा है ना, एल बाई फोर डिस्टेंस तक हमें ये टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी होती है ना। तो ये देखिए हमारे एल बाई फोर डिस्टेंस, यहाँ पर हमें टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी होती है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक बात होती है कि भाई हम यहाँ से जो यहाँ तक है यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, सो यहाँ भी तो मूवमेंट आता होगा। तो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टरफ्लेक्चर के बारे में सुना होगा, क्या होता है कि जहाँ पर एक वो पॉइंट ऑफ कॉन्टरफ्लेक्चर वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पर ना ही बेंडिंग मूवमेंट मतलब ना ही पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है ना ही नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो है बेंडिंग मूवमेंट चेंज होता है हमारा, यहाँ पर जो होता है ये जो टॉप मेन बार हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ तक हमारा क्या होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है और यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट जाता है, तो यहाँ पर वो पॉइंट होता है जो कि हमारा यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बेंड नहीं होता, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होता, और उसके बाद हमारा जो सेंटर होता है वहाँ पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, सेंटर पर हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है, और उसके बाद में हम फिर आगे चलते हैं और फिर आगे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि ये जो है अपना बार यहाँ से कुछ इसमें ऐसे क्रैंक प्रोवाइड करा के
है ना, इसी बार को हम अगर इस तरीके से प्लेस नहीं करना है तो एक और तरीका होता है कि आप इसको यहाँ से क्रैंक प्रोवाइड कराएं और क्रैंक देने के बाद में आगे जाकर और फिर उसको वापस उसको क्रैंक दे दें और वो टॉप में चले, मतलब एक ही बार आपका टॉप एक्स्ट्रा बार का भी बॉटम एक्स्ट्रा बार का भी काम कर देगा और कटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर हम कटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अपने केस में हम क्या करते हैं कि भाई वो जो प्लेस करना उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि यहाँ पर आप बैंड करेंगे तो मतलब रिइंफोर्समेंट बैंड करना इतना ईजी नहीं होता है कि आप यहाँ पर उसको बैंड कर पाएँ। सो अपने केस में हम इसको कट करके कुछ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, ये इससे थोड़ा मतलब इस वाले पॉइंट से थोड़ा आगे आया होता है ना। तो ये डिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि हमें कितना आगे लेकर आना है। तो ये होता है हमारा 0.15L, L मतलब हमारा वही पुराना इफेक्टिव स्पान है ना, इफेक्टिव स्पान से अपना L बाई सॉरी 0.15L डिस्टेंस पर हमें ये बाहर लेकर आना होता है यहाँ से। तो हमें ऐसा कोई इसमें चेंजेस नहीं है कि हमें क्रैंक प्रोवाइड करवाना है, तो ये नहीं मतलब ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रैंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी में भी कोई इशू नहीं है, दोनों ही एक ही चीज़ हैं, बस हमें ये थोड़ा लगाने में आसान होता है, दैट्स व्हाई हम इसका यूज़ करते हैं। सो मैं आपको फिर से बता दूं एक बार कि जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार होता है वो हमारे जंक्शन से एल बाई फोर डिस्टेंस तक प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद में हमें बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है ना, और फिर अगले जंक्शन से एल बाई फोर डिस्टेंस से हमें फिर से है ना उसको यहाँ से कट करके और कुछ इस तरीके से बॉटम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देनी होती। तो आपको फ्रेंड्स ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने बॉटम एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड किया है और टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड क्यों किया है ना। तो ये थी हमारे आज की वॉल्यूम के बारे में थोड़ी डिटेल, और इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।